है उधारे जो तुमने लाखों अधम है। हैं उधारे जो तुमने लाखों अधों, हैं उधारे जो तुमने लाखों अधों, है उधारे जो तुमने लाखों अधों। एक मुझको उधारो तो क्या होगा, एक मुझको उधारो तो क्या होगा। और दूसरी कागज कहाँ गया है? ये नहीं, ये है उधारे जो तुमने लाखों अधों, एक मुझको उधारो तो क्या होगा। अगणित पापी तुम उतारे, अगणित पापी एक मोकू का है बिसारे, वो सुन ले बंसी वारे, वो सुन ले मुरली वारे, एक मोकू काहे बिसारे। मैं अपराधों का सागर, मैं अपराधों का सागर, मैं अपराधों का सागर, तुम कृपा दया के सागर, तुम कृपा दया के सागर, तुम कृपा दया के सागर, गोपाल 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 गोपाल, गोपाल 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 गोपाल, गोविंदा रे गोविंदा गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा
रे गोविंदा गोविंदा रे गोविंदा दीनानाथ 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 दीन बंधो दीन बंधो दीन बंधो दीन बंधो पतित पावन प्रभु पतित पावन पतित पावन प्रभु पतित पावन पतित पावन पतित पावन पतित पावन प्रभु पतित पावन मैं पतितों में हूँ नामी मैं पतितों में हूँ नामी मौसम कौन कुटिल खलकामी मौसम कौन कुटिल खलकामी मौसम कौन कुटिल खलकामी मैं कामी जिन तन दियो ताहे बिसरायो जिन तन दियो ताहे बिसरायो जिन तन दियो ताहे बिसरायो ताहे बिसरायो ताहे बिसरायो काहे बिसरायो काहे बिसरायो ऐसो नमक हरामी ऐसो नमक हरामी ऐसो नमक हरामी ऐसो नमक हरामी नमक हरामी नमक हरामी नमक हरामी नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलकामी मौसम कौन कुटिल खलकामी तुमसो कहा छिपी करुणा मैं
करुणा निधान करुणा निधान तुमसो कहा छिपी करुणा मैं मनुष्य पाप करता है, सोचता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन अगर वो ये सोच रहा है, सोच ले कि देखने वाला देख रहा है, भगवान साक्षी है, तो कभी भी पाप नहीं होगा। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मन लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। उसके सब जगह कान हैं, तुम कितना भी छिप के बात करोगे वो सुनता है। कितना भी छिप करके पाप करोगे वो देखता है। सर्वतः पाणिपादम तत् उसके हाथ सब जगह हैं, उसके पांव सब जगह हैं, उसकी आंखें सब जगह हैं, उसके कान रोम रोम में हैं। सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। लेकिन हम जैसे अंधे लोग समझते हैं कोई देख नहीं रहा है। तुम सो कहा छिपी करुणा में तुमसो कहा छिपी करुणा मैं सबके अंतर्यामी अंतर्यामी सबके अंतर्यामी मौसम कौन कुटिल खल कामी मैं विषयी मौसम कौन कुटिल खल कामी जहां जहां जिस योनि में गया पेट भर करके और विषयों की ओर दौड़ता रहा,
मनुष्य बना तो नारियों के पीछे दौड़ता रहा, कुत्ता बना तो कुतियों के लिए दौड़ता रहा। भारी भारी उदर विषय को धायो, भारी भारी उदर विषय को धायो, विषय को धायो, विषय को धायो, भरी भरी उदर विषय को धायो, जैसे शूकर गामी, शकल मनुष्य की जरूर है लेकिन काम शूकर गामी सुवर सुवरियाओं की तरह है। जैसे शूकर गामी, शूकर गामी, शूकर गामी, मैं शूकर, भरी भरी उदर विषय को धायो, जैसे शूकर गामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, और मनुष्य भी बना दिया आपने तो सत्संग में आलस लगता है, और सत्संग के समय व्यर्थ की बातों में जीवन चला जाता है। ताजी सत्संग होत जिय आलस, होत जिय आलस, होत जिय आलस, विश्राम करो आराम करो विषय भोगो, यही जीवन बन गया है। ताजी सत्संग होत जिय आलस, विषयन संग विश्रामी, विषयन संग विश्रामी, विषयन संग विश्रामी, विषयन संग विश्रामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी,
भगवान के भक्तों को, भगवान के चरणों को छोड़ करके विषयों के पास बैठते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके गुलाम बन गए हैं। हे दीन बंधो, श्री हरि चरण छाण विमुखन की, श्री हरि चरण छाण विमुखन की, निश दिन करत गुलामी, निश दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मैं कामी मौसम कौन कुटिल खल कामी, इस तरह मैं महापापी हूं, आपके नाम को छोड़ करके विष्ठा विषयों में भोगों में घूम रहा हूं। पापी परम अधम अपराधी, पापी परम अधम अपराधी, पापी परम अधम अपराधी, सब पति तन में नामी, सब पति तन में नामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, यद्यपि मैं कामी भोगी विष्ठा विषयों को मैं घूमने वाला, लेकिन एक बात है, आपका नाम मैंने सुना है, अधमों का उद्धार करने वाले हैं, सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, जैसे वेश्या थी महापापनी, उसको आपने तारा, महान अधमों को तारने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे शरण में आया हूं, मेरा उद्धार नहीं हो सकता है,
सूरदास प्रभु अधम उदारन, सूरदास प्रभु अधम उदारन, अधम उदारन, अधम उदारन, अधम उदारन, अधम उदारन। सुनिए श्रीपति स्वामी, श्रीपति स्वामी, सूरदास प्रभु अधम उदारन, सूरदास प्रभु अधम उदारन, अधम उदारन, अधम उदारन, अधम उदारन, अधम उदारन। सुनिए श्रीपति स्वामी, श्रीपति स्वामी, सुनिए श्रीपति स्वामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, है उधारे जो तुमने लाखों अधम है, है उधारे जो तुमने लाखों अधम, उधारे जो तुमने लाखों अधम, एक मुझको उधारो तो क्या होगा, एक मुझको उधारो तो क्या है, उधारे जो तुमने लाखों अधम, उधारे जो तुमने लाखों अधम, एक मुझको उधारो तो क्या होगा, एक मुझको उधारो तो क्या होगा। हमने सुना है नरसी भगत जब टूटी बैलगाड़ी लेके चले थे, भात भरने जा रहे थे, मांग के टूटी गाड़ी लाए थे बैलगाड़ी, गांव वालों ने उनके साथ छल किया, एक टूटी गाड़ी दे दिया, उस पर 10-5 सूरदास जो कीर्तन करते थे, रोटी मिलती थी कीर्तन करते थे, वो बैठ गए। बीच जंगल में गाड़ी टूट गई, सब लोग बोले, नरसी जी बोले कीर्तन करो भैया, भी जंगल है, शेर चीते इनका भय है, वही पार लगाएगा। उसी समय भगवान एक बढ़ई का रूप बना के आए और बोले, अरे भाया तुम लोग जंगल में क्या करते हो। नरसी जी बोले, भाई हमारी गाड़ी टूट गई है, कहाँ जाओगे, जूनागढ़ जाएंगे। अरे वो तो बहुत दूर है।
कैसे जाओगे? बोले वही सावरिया पार लगाएगा, वो बढ़ई सावरिया ही था। वो बोला वो सावरिया कौन है? बोले वही है जिसका हम कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं भी एक बाढ़ई हूं, वहां जूनागढ़ हमको भी जाना है, हम तुम्हारी गाड़ी बना देंगे, बैठा लोगे? बोले हां भैया। क्या दोगे? कुछ है नहीं हमारे पास। अच्छा, तो तुम लोग गाते हो, कीर्तन सुना देना। बोले वो तो सुन लो तुम बिना पैसे के। जय नरसिंह के सांवरिया, जय सांवरिया, जय सांवरिया, जय सांवरिया, सांवरिया कह के सब नाचने लग गए। और सांवरिया ने थोड़ी देर में गाड़ी ठक ठक किया, बोले गाड़ी बन गई तैयार। सांवरिया जय, सांवरिया जय, सांवरिया जय, सांवरिया जय। टूटी नरसी की गाड़ी सवारी प्रभो, एक मुझको सवारो तो क्या होगा? है उधारे जो तुमने लाखों अधम, एक मुझको उधारो तो क्या होगा? एक मुझको उधारो तो क्या होगा? कुछ संत लोग गए थे उस गांव में, उनके पास 700 रुपए थे। पुराने जमाने में बैंक नहीं था, हुंडी लिख देते थे, जिसकी दुकान कहीं चल रही है तो हुंडी लिख देता था, जैसे चेक लिख दिया और किसी बैंक से निकाल लो। तो वह बड़े बड़े लोग ऐसा काम करते थे, हमारी दुकान से हुंडी चुका लेना। संत लोग गए, रास्ते में पैसा लेके नहीं चल सकते थे, बहुत जंगल, चोर डाकू। लोगों ने पूछा, इस गांव में कोई बड़ा आदमी है जो हुंडी लिख दे? लोग चिढ़ते थे नरसी जी से। बोले हां नरसी भगत है, वो मना करेगा, लेकिन तुम पड़े रहना उसके दरवाजे, वो हुंडी लिख देगा। सब गए नरसी के दरवाजे, सांवरिया जय, सांवरिया जय, सांवरिया जय, सांवरिया जय, सांवरिया जय, सांवरिया जय। संतों ने पूछा,
अरे नरसी भगत निकले, क्या है भैया ये हमारा पैसा रख लो, हुंडी लिख दो, हम द्वारका जाएंगे, वहां हमको मिल जाएगा तो हम पंगत करेंगे, दान पुण्य करेंगे। नरसी जी बोले, तुमको किसने बहका दिया भैया, मैं तो गरीब आदमी हूं, देखो ये हमारे यहाँ अंधे लोग हैं, इनको रोटी मिल जाती है बस, और कीर्तन करते हैं। उन संतों को भर दिया था गांव वालों ने, ऐसा हटे नहीं, सब पैसा वहीं रख दिया कि हम तो तुम्हारे विश्वास से चले आए हैं। नरसी जी ने हुंडी लिख दिया, देखा जाएगा भैया, गोपाल है जो चाहेगा करेगा। वो कागज लेके चले गए द्वारका में, और वहां पूछे, सावल शाह की दुकान कौन सी है? सारे बाजार में घूम आए, सावल शाह की दुकान कौन सी है? कोई दुकान थी नहीं, सारे दिन चिल्लाते रहे, रात हो गई तो रात के अंधेरे में ठाकुर जी एक सेठ का रूप बना करके आए, मोटी सी पेट तौंद है सेठ की, उस पर धोती ढीली ढीली, एक पाग है सेठ जी की, बगल में बही खाता है, कलम है, और बोले रात को चिल्ला रहे हैं, अरे वो हुंडी चुकाने कौन आया है? हम नरसी सेठ के मुनीम हैं, अपनी हुंडी ले जाओ। ये सब संत निराश हो गए थे, बोले भैया पैसा डूब गया, अब कुछ नहीं मिलेगा। तब तक एक ने आवाज सुनी, बोले अरे अरे रे, वो कौन बोल रहा है? ये तो कोई नरसी का मुनीम मालूम पड़ता है। सब गए दौड़ के, बोले मुनीम जी जय राम जी की, बोले जय गोपाल जी की, तुम ही आए हो जूनागढ़ से? बोले हां, हुंडी चुक लो, ठनाठन रुपया गिन दिया 700 चांदी के, और ये बोले हमारी पाती ले जाओ, नरसी भगत को दे देना। बोले लिख दो, बोले नरसी भगत जी जय गोपाल जी, आपकी हुंडी हमने चुका दिया, व्यापार आपका अच्छा चल रहा है, खूब माल बिकता है, खूब आमदनी हो रही है, आप ऐसे हुंडी दिखा करो और रोज लिखा करो, हम रोज चुका देंगे। हुंडी नरसी की, हुंडी नरसी की चुकाई थी ऐ सावल शाह, हुंडी नरसी की चुकाई थी ऐ सावल शाह मेरे, ऐ सावल शाह, खाता मेरा भी चुकाओ तो क्या होगा, खाता मेरा भी चुकाओ
देखो प्रभु को ठगना बड़ा आसान है। हम लोग केवल नाचते गाते हैं, भजन भजन कुछ नहीं जानते, लेकिन भगवान को ठग लिया है हम लोगों ने। कई हजार आदमी रोज भोजन कर रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कई करोड़ रुपए ठग लिया हम लोगों ने भगवान को। खाता मेरा चुकाओ तो क्या होगा, खाता मेरा चुकाओ तो क्या होगा, आए उधारे जो तुमने लाखों अधम आए, एक मुझको उधारो तो क्या होगा, रोज लगता है कि यात्रा टूट जाएगी और हमारे यहां के इंतजाम करने वाले भी कहते हैं हाँ यात्रा अब आगे नहीं जाएगी, छाता में रुकेगी, कोई कहता है अब यात्रा बंद कर दो, लेकिन रोज जाने कहां से। एक आदमी आया आज, बोला 100 बस हम रोज भेजेंगे यात्रा चलाने के लिए। हमने कहा देखो ये ठाकुर की लीला है, कई बस आती हैं मथुरा से, कई नंदगांव से, कई की 15-15 ट्रॉलियां चल रही हैं और यात्रा धूम से चल रही है। है उधारे जो तुमने लाखों कदम है, एक हम को उधारो तो क्या होगा, हमारा गोपाल इतना भोला भाला है कि हम कुछ नहीं करते हैं, खाली गाते हैं, ढोंग करते हैं, नाचते हैं और उस ठगाई में वो सारा काम करता है हमारा। गोपाल हे गोपाल, गोपाल गोविंदा रे गोविंदा, हमने सुना आज जब लड़कियां आ रही थीं तो पहिया का एक बोल्टू निकल गया, पीछे से कोई गाड़ी आ जाए धक्का दे तो सब मर जाएंगे, लेकिन गोपाल ने उसको बना दिया और सब सुरक्षित आ गईं। ये उस गोपाल को तुम लोगों ने ठग लिया, कोई नाचती नहीं है ढंग से, ना नाचना जानती है, लेकिन वैसे हाथ हाथ हिला करके ठग लिया है। हैं उधारे जो तुमने लाखों अधम, एक मुझको उधारो तो क्या होगा, कहीं नाचने जाओगी तो 5 रुपया भी नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा गोपाल इतना सीधा है, भोला भाला है कि करोड़ों रुपए का काम कर रहा है। हे गोपाल हे गोपाल, दीनाना
दीनाना दीनाना दीनाना दीनाना दीनबंधो सबसे बड़े ठग हम हैं। देखो कभी हम माला नहीं करते, भजन नहीं करते, थोड़ी देर बाजा बजा लेते हैं और वो ठाकुर इतना दयालु है कि यात्रा चल रहा है, इतनी बड़ी यात्रा चल रही है और लोग वहाँ हमारी ठग विद्याई को समझ नहीं पाए। कोई कहता है ये ब्रज के भगवान हैं, कोई कुछ कहता है, हम हंसते हैं। है उधारे जो हम तुमने लाखों अधाओ, एक मुझको उधारो तो क्या होगा। एक लाख कंबल आए बटने के लिए, ऐसा तो बड़े बड़े महंतों सेठों के यहां भी नहीं हुआ जो चमत्कार यहां होगा। भात रामा भरा, भात रामा का भरा था ऐसा वलशा, सबा पहर सोना बरसाया था ठाकुर जी ने। भात रामा का भरा था ऐसा वलशा, कुछ मेरा भी भरोगे तो क्या होगा। मीरा को जहर पी गई थी, तुमने बचाया था। पी गई मीरा विष है बचाया प्रभो, मुझे विषयों से बचाओ तो क्या होगा। मुझे विषयों से बचाओ तो क्या होगा। विषयों को खूब भोगा था, वेश्या थी गणिका, जन्म भर भोग भोगा था, लेकिन उसको तुमने बचा दिया, उद्धार किया। थी तोता पढ़ाती वो गणिका भी तारी, गणिका भी तारी वो गणिका भी तारी, एक मुझको भी तारो तो क्या होगा। है उधारे जो तुमने लाखों अधम, एक मुझको उधारो तो क्या होगा। हम जब लौटते हैं यात्रा से तो तमाम देखते हैं लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, माइक पर जय 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 हो रही है। ये सब क्या है? ये सब ठाकुर को ठग लिया है तुम लोगों ने नाच नाच करके, और वो सारा काम पूरा कर रहा है। रिझाया तुमने, नाम हमारा हो रहा है बेईमानी से।
है उधारे जो तुमने लाखों अधम एक मुझको उधारो तो क्या होगा जब बिल्ल मंगल ने आंख फोड़ लिया था तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़कर रास्ता दिखाया था अंधे बिल्ल मंगल को राह दिखाया प्रभो अंधे अंधे मंगल को राह दिखाया प्रभो राह मुझको दिखाओ तो क्या होगा एक बेश्या की लड़की थी कानू पात्रा वो बचपन से बड़ी भक्त थी बड़ी सुंदर थी मंगल बेड़ा गांव का राजा उसने उसे देखा राजा था सिपाही भेज दिया जाओ उसको पकड़ लाओ सिपाही लोग गए वो भगवान के भक्त थी बचपन से भोग नहीं चाहती थी सच्चे भक्त भोग नहीं चाहते हैं मल मूत्र नहीं चाहते हैं उसने अपनी मां से मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगी मां ने कहा हम बेश्या हैं नाचने गाने का ही कमा के खाते हैं शरीर बेचते हैं तब पेट पालते हैं तू नहीं जाएगी तो राजा नाराज होगा फांसी देगा वो बोली नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी फांसी चढ़ जाऊंगी मर जाऊंगी नहीं जाऊंगी बारकरी भक्त होते हैं जो हर एकादशी को कीर्तन करते जाते हैं पंढरीनाथ का दर्शन करने और फिर वहां से लौटते हैं बारकरी भक्तों की टोली कीर्तन करती जा रही थी उसने आवाज सुना दौड़ करके उसी टोल में घुस गई और छिपती छिपती पंढरीपुर पहुंच गई भगवान के शरण में उधर से पीछे सिपाही लोग दौड़े उसकी मां को जाके पूछा तेरी लड़की कहां है वो बोली भाग गई है कहां गई है पंढरीनाथ के पास जाएगी सिपाही लोग गए पंढरपुर उस समय वो दर्शन करने जा रही थी सिपाहियों ने पकड़ लिया बोले कहां भागेगी चल चल नहीं अभी यही जान निकाल देंगे तेरी वो बोली अच्छा एक बार मुझे दर्शन करने दो तो चलूंगी गई पंढरीनाथ भगवान के दर्शन करने रोने लग गई तुम मुझे क्या बचा नहीं सकते हो तुमने द्रौपदी की लाज बचाई थी
क्या मुझे नहीं बचाओगे? कहके लिपट गई ठाकुर जी के चरणों में, वहीं शरीर छोड़ दिया, मर गई। उस गांव के बहुत से लोग आए थे, उन्होंने उसका दाह संस्कार किया, फूंक दिया। यहां आकर राजा से कहा कि वो तो मर गई, फूंक दिया। कानू पात्रा की लाज बचाई तूने, लाज मेरी भी बचाओ तो क्या होगा। लाज मेरी तो क्या होगा। नामदेव जी की एक छप्पर था, उसमें आग लग गया, कुटी जल गई। सब गांव वाले तमाशा देखते रहे। अच्छा हुआ, बड़ा कीर्तन करता था, भगत बनता था, अब जाड़े में उसको पता पड़ जाएगा। तब तक ठाकुर जी बैठिया कहते हैं छान छाने वाले को, महाराष्ट्र में एक मजदूर का रूप बना के पहुंचे। छान छवा लो, छान छवा लो, छान छवा लो। नामदेव जी बोले, भैया मेरे पास फूस फूस कुछ नहीं है, पैसा धेला कुछ नहीं है। वो बोला, मजदूर तुम पैसा नहीं हो तो कुछ गाना सुना देना, तुम गाते हो बड़ा अच्छा हो। बोले, कीर्तन जानता हूं वो तो मैं गाना नहीं जानता। बोले, कीर्तन सुना दो, हम तुम्हारी छान छा देंगे। बोले, फूस नहीं है हमारे पास। बोले, सब हमारे पास है, हम बहुत बढ़िया छान बनाते हैं। वो गाते रहे, जय गोपाल 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 जय दीनानाथ जय दीनानाथ जय दीनानाथ। बोलो जय दीनानाथ। तब तक दो चार मिनट कीर्तन किया, उतने में वो बोला, मजदूर बैठिया, अरे नामा तेरी छान छप गई। अरे बड़ी जल्दी छा दिया, छान नामा की छाई थी हे दीनानाथ। नामा की छाई थी हे दीनानाथ। हे दीनानाथ सुनो हे दीनानाथ। कुछ मेरी भी सुनोगे तो क्या होगा। है उधारे जो तुमने लाखों अधम है। एक मुझको उधारो तो क्या होगा। पांचों पांडवों को आग में जला दिया था, कौरवों ने भगवान ने बचाया। भगवान है, बचाता है, यदि नहीं बचाता तो
तो आज ही तुम लोग मर जाती जब पहिया निकला था, बोल्टू निकला था। भगवान का भजन बचाता है, हम लोग ठग हैं, नाच गा करके कन्हैया को ठग लिया है, ना नाचना जानते हैं ना गाना जानते हैं। पांचों पांडव बचाए लाखा गृह आग सो, पांचों पांडव बचाए लाखा गृह आग सो, भव आग से बचाओ तो क्या होगा, भव आग से बचाओ तो क्या होगा, है उधारे जो तुमने लाखों अधम है, एक मुझको उधारो तो क्या होगा, गोपाल रे गोपाल गोपाल रे गोपाल, गोपाल रे गोपाल गोपाल रे गोपाल, राधिका 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 राधे।